एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद मरीना इकबाल। इस एपिसोड में बात करेंगे नेशनल टी20 की फर्स्ट लेग जो पिंडी में खत्म हुई, उसमें किसने मैदान मारा, किसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली और कौन अभी टेबल टॉपर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन जो आजकल चल रही है कि नेशनल स्क्वाड जो वर्ल्ड कप टी20 में हिस्सा लेने जा रहा है उसमें जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, मिडल ऑर्डर आपका कहाँ स्टैंड कर रहा है और कौन से पोटेंशियल कंटेंडर्स हैं जिनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन से पता चल जाए। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, सिंध लीड कर रहा है 8 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद सेकंड नंबर पे केपी है, फिर सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न सेम 8 पॉइंट्स के साथ, लेकिन क्योंकि सिंध का नेट रन रेट बेहतर है तो दे आर टॉपिंग द टेबल। अब नजर डालते हैं हाईएस्ट रन स्कोरर पे और नो गैसेस देयर, बाबर आजम लीड कर रहे हैं, 6 इनिंग्स में उन्होंने 286 रन स्कोर किए। उसके बाद साहिबजादा फरहान है 6 इनिंग्स में 220, तीसरे नंबर पे सिंध के हैं सुशील खान जिन्होंने 212 रन स्कोर किए 6 इनिंग्स में। टॉप बॉलर्स की बात करें, मोस्ट विकेट जिन्होंने अभी तक ली हैं, लीडिंग विकेट टेकर है शाहीन शाह अफरीदी, 12 विकेटें ली हैं 6 इनिंग्स में। उसके बाद होम सिटी सेंट्रल पंजाब के वहाब रियाज हैं 6 मैचेस में 9 विकेट्स और आसिफ अफरीदी केपी के 6 मैचेस में 9 विकेट्स ली हैं, वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब देखते हैं ये लीग ख़त्म हुई है, लाहौर की तरफ सफ़र जारी है, चेंज ऑफ वेन्यू है, पिचेस डिफरेंट होंगी, क्लाइमेट डिफरेंट होगा, गर्मी है थोड़ी लाहौर में और देखेंगे कि जो 4 टॉप टीम्स हैं जिनके पॉइंट सेम हैं वो कौन जाके वहाँ पे लीड करता है। अब आते हैं हॉट टॉपिक पे जो कि है नेशनल स्क्वाड जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रहा है, उसमें जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही फर्स्ट लीग में। आई नो कि अभी लाहौर में जाके भी मैचेस हैं बट अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज है स्पेशली जो मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का उस पर काफ़ी कंसर्न शो हो रहा है, उनमें आसिफ अली, खुशदिल शाह, आसम खान, इन सब पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। अभी तक इनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं इस पर नज़र डालते हैं। आजम खान ने अभी तक सिर्फ 100 रन किए हैं, कोई ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं बनाई, पिछले मैच में भी बहुत कैजुअल रन आउट हो गए। खुशदिल शाह ने जो है वो अभी 98 बनाए, उनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं। आसिफ अली जिन्होंने अभी तक 6 इनिंग्स में 103 रन बनाए हैं और 48 उनका नॉट आउट रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली खुशदिल शाह और आजम खान पर आ रहा है और देखते हैं कि इनके बरक्स कौन है जिस पे बात हो सकती है, और उनमें है शुएब मलिक और आई थिंक के इफ्तिखार की भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर आप नज़र डालें 6 मैचेस में उन्होंने 171 रन किए हैं, 57 की एवरेज है उनकी और राउंड अबाउट 166 प्लस का स्ट्राइक रेट है, तो ये भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं शुएब मलिक की। शुएब मलिक ने अभी तक इस टूर्नामेंट में स्कोर किया है 4 इनिंग्स में और उनकी एवरेज है 140, उनके 2 बार नॉट आउट रह चुके हैं और एक शानदार इनिंग्स खेली थी 85 रन की, वो मैच टर्निंग इनिंग्स थी। उस वक्त बहुत प्रेशर में आए थे, सेंट्रल पंजाब की टीम काफ़ी क्रूशियल कंडीशन में थी और उन्होंने आके ये इनिंग्स खेली थी। उसके बाद थोड़ी सी बात अगर करें कि इनका यूएई में क्या रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका यूएई में हो रहा है तो ये उनके स्टैट्स हैं यूएई के। मलिक ने तकरीबन 67 इनिंग्स में 1551 रन स्कोर किए हैं, बहुत बुरी भी नहीं है बहुत अच्छी भी नहीं है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि स्पिन के अगेंस्ट पाकिस्तान में जो वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं उनमें शुएब मलिक का नाम ज़रूर आता है और बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, और आई थिंक पोटेंशली अभी फ़िलहाल करंट फॉर्म पर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है, परफॉर्म भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस इनका पुटअप किया जा सकता है। एंड पर्सनली आई थिंक इस वक्त एक्सपीरियंस के साथ मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान थोड़ा सा लैक कर रहा है इवन विद फॉर्म भी, तो ये नॉक कर रहे हैं सेलेक्टर्स के सिलेक्शन के दरवाजे पर आप कह सकते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी सी बात की जाए अगर फ़ख्र ज़मान की भी, तो फ़ख्र ज़मान ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, इंजर्ड भी हो गए इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनका भी यूएई का रिकॉर्ड अगर देखें तो उन्होंने तकरीबन 3 मैचेस में 76 स्कोर किया हुआ है
इस टूर्नामेंट में. यूएई में उन्होंने 40 इनिंग्स में 827 स्कोर किया. सो आई थिंक बाबर और रिजवान ऑब्वियसली अभी ओपनिंग पे जो है पक्के हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं चलता या गॉड फॉरबिड कोई इंजरी होती तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन पोटेंशियल ओपनर हो सकता है. तो आई थिंक फखर जमान भी थोड़ा बहुत केस बना सकते हैं रिजर्व से स्क्वाड में आने का. अब थोड़ा बॉलर्स की तरफ जाते हैं. यूएई में ज़ाहिर स्पिनर्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं. हमारी स्पिनिंग लाइन तो ऑलमोस्ट बेहतर कर ही रही है. आपके पास ऐसे स्पिनर्स हैं, पोटेंशियल स्पिनर्स जो कि डिलीवर कर सकते हैं. शायद आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में वो कवर कर रहे हैं उस चीज़ को. आई थिंक बाय द टाइम वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो बॉलिंग फॉर्म भी उनकी वापस आ जाएगी. ही इज़ लीडिंग वेल, नॉर्दर्न को लीड कर रहे हैं तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा. अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है T20 में, इवन UAE की कंडीशंस में भी, तो मेरा जो क्वेश्चन मार्क है वो आता है मोहम्मद हसनैन पे. और उनका कंपैरिजन जो मैं देना चाहती हूँ या मुझे फील होता है वो है रिजर्व में मौजूद शाहनवाज ठाणी से. थोड़ा सा स्टैट्स पे कंपैरिजन करते हैं. अभी तक इस टूर्नामेंट में शाहनवाज ठाणी ने 9 विकेट लिए 6 मैचेस में और हसनैन ने 6 मैचेस में 180 रन दे के 6 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी 10 की है. बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक. नए बॉल से भी देखे हमने कि रन्स के लिए जा रहे हैं, पुराने बॉल से तो बहुत ज़्यादा मतलब लीक कर रहे हैं, रन्स कंटेन नहीं कर पा रहे. पेस नो डाउट है, लेकिन पेस का फ़ायदा तब है जब आप राइट एरियाज में उसको बोल करें. और आई थिंक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है T20 में भी और इवन UAE की कंडीशंस में भी वेरिएशंस बहुत मैटर करती है. लेकिन अगेन उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि कब आपने पेस यूज़ करनी है, किस लाइन लेंथ पे यूज़ करनी है और वेरिएशन कब और किस पैटर्न के गेंस यूज़ करनी है. सो आई थिंक शाहनवाज ठाणी पिछले अर्से से आप देख रहे हैं BSL में भी उन्होंने काफ़ी अपने आप को प्रूव किया. ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर. उन्हें पता है कि बैटर्स की वीकनेसेस क्या हैं और अगर वो पेस से बॉल भी करते हैं तो ऐसी लाइन लेंथ पे करते हैं जहाँ पे ट्रबल कर सकता है पेस बैटर्स को. सो आई थिंक के शाहनवाज ठाणी आई फील इज़ मोर सूटेबल अगर उनको स्विच किया जाए मोहम्मद हसनैन से. स्पिनर्स में देखें तो T20 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं. इमाद शादाब भी हैं. आई फील कि शादाब बॉलिंग में वापस रिकवर कर जाएंगे जल्दी. मोहम्मद नवाज एक बहुत अच्छे पोटेंशियल T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, वो कि अभी तक बॉलिंग में उन्होंने उस तरह क्लिक नहीं किया लेकिन बैटिंग में काफ़ी स्कोर कर रहे हैं. और आपके पास पेस अटैक भी पूरा है. उस्मान कादर रिजर्व में है लेकिन उन्होंने भी इस T20 में उस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि आप उन्हें पोटेंशली प्लेइंग स्क्वाड की तरफ लेके जाएं. बट आई थिंक ये चीज़ें कवर हैं. द ओनली क्वेश्चन फॉर मी आई थिंक इसके मिडल ऑर्डर में क्या होना चाहिए. मुश्किल शाह स्ट्रगल कर रहे हैं, आसम खान स्ट्रगल कर रहे हैं, आसिफ अली बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं और शुएब मलिक. एंड आई ऑल्सो फील कि इफ्तिखार ने बहुत कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी. अगर उनके स्टैट्स भी देखें तो 6 मैचेस में उन्होंने 171 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज जो है 57 रही है, स्ट्राइक रेट 166 का रहा है. वो भी एक आई फील के पोटेंशियल हो सकते हैं. क्लीन हिटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, केपी के लिए आके जब ज़रूरत होती है उन्होंने काफ़ी ऐसी इनिंग्स खेली हैं जो कि केपी को एक डिसेंट टारगेट की तरफ या चेस करने की तरफ लेके जा पाए. तो आई थिंक इफ्तिखार, शुएब मलिक, ये पोटेंशियल फॉर मी ये पोटेंशियल हो सकते हैं रिप्लेसमेंट खुशदिल शाह या आसम खान पर अगर बात की जाए. क्योंकि आई थिंक खुशदिल शाह अगेन वन डायरेक्शनल प्लेयर हैं, लेग पे बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस T20 नेशनल T20 में भी हमने देखा है कि ऑफ साइड पे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर कुछ भी शॉर्ट बॉल, स्लो शॉर्ट बॉल भी उन्हें करा दी जाए ऑफ साइड के बाहर तो उन्होंने 3 या 4 दफ़ा उस लाइन ऑफ अटैक में आउट हुए. तो अभी तक ऐसा सच इम्प्रूवमेंट जो बात की जा रही थी कि जो उन्होंने इम्प्रूव किया ऑफ साइड पर वो नहीं किया. क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको सर्वाइव करना है और सक्सेसफुल होना है फॉर अ लॉन्गर टाइम तो आप वन डायमेंशनल बैटिंग नहीं कर सकते. आपको 360 डिग्री अपनी शॉट्स डेवलप करनी पड़ती है क्योंकि बड़ी टीम्स बहुत जल्दी रीड करती हैं, बहुत जल्दी पिक करती हैं आपकी वीकनेसेस और उनका लाइन ऑफ अटैक और जो प्लान है वो आपकी वीकनेस के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है. सो आई थिंक ये एक और पॉइंट है. टेक्निकली अगर बात करें खुशदिल शाह पे, आज़म खान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है
लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है. आई अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्टेड थे, अब अंडर पंप हैं, बहुत बातें उन पर हो रही हैं, उनकी फिटनेस पे भी बातें हो रही हैं. सो आई फील के कहीं ग्लिम्सेस नज़र आते हैं उनके कॉन्फिडेंस के. पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन स्टिल अगर T20 के हिसाब से देखें तो डू यू फील के वो तैयार हैं इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए? क्योंकि अभी उन पर प्रेशर ज़रूर है और वो नेशनल T20 में नहीं डिलीवर कर पा रहे. विल ही बी एबल टू डिलीवर एट द इंटरनेशनल लेवल, वो भी वर्ल्ड कप के लेवल पे कर पाएंगे इस फॉर्म और इस फिटनेस के साथ? ये एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो के सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा मूविंग इन, कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी नेशनल T20 के सारे प्लेयर्स को, और अगर इस टूर्नामेंट में आपने कंसिडर नहीं करनी परफॉर्मेंसेस, तो फिर क्या मकसद था इस चीज़ का, इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स को इन्वॉल्व करवाने का पाकिस्तान प्लेयर्स को? और अगर आप करने जा रहे हैं तो आप किन पोटेंशियल प्लेयर्स को पिक करेंगे और क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? ये सारे सवाल इंटरनेशनल सिलेक्शन कमेटी से पूछे जा सकते हैं. मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में पोटेंशियली किसको होना चाहिए स्क्वाड में, कौन ऐसा है जो ड्रॉप होना चाहिए या हो सकता है, एंड डू यू बिलीव कि हमें इसी वर्ल्ड कप स्क्वाड को बैक करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ के इस नेशनल टी20 में क्या हुआ या लाहौर में जाके क्या होगा, या फिर चेंजेस होने चाहिए? सो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह.